नमस्कार, मैं शशि प्रभा सारस्वत, एसोसिएट प्रोफेसर हिंदी, श्री कल्याण राजकीय कन्या महाविद्यालय सीकर। प्यारे विद्यार्थियों, सुप्रभात। आज की व्याख्यान माला प्रारंभ कर रहे हैं हम। व्याख्यान माला का विषय है कवि विद्यापति। पूर्व वीडियो में भी हमने ऐसे ही कुछ व्याख्याएं, सप्रसंग व्याख्याएं की है। आज पुनः उस क्रम को जारी रखते हुए आगे बढ़ते हैं। तो आइए, अपना पहला पद्यांश है वो प्रारंभ करते हैं। विरह व्याकुल बकुल तरुवर पैखिल नंद कुमार रे, नील नीरज नयन सह सकी ठरई नीर अपार रे, पेखी मलयज पंक मृग मद ताम रस गन सार रे, निज पानी पल्लव मूंदी लोचन धरणी पडु असंभार रे, बाई मद सुगंध शीतल मंद मलय समीर रे। विरह व्याकुल बकुल तरुवर पेखल नंद कुमार रे, नील नीरज नयन सह सकी ठरई नीर अपार रे। प्रस्तुत पद्यांश कवि विद्यापति जी की पदावली से लिया गया है। यहाँ नायिका राधा ने मान किया हुआ है, जिसके कारण भगवान श्री कृष्ण अत्यंत ही व्याकुल हैं। दूती या सखी, राधा की सखी भगवान श्री कृष्ण की विरह दशा का वर्णन करती हुई राधा से मान छोड़ने का और प्रियतम से मिलने का अनुनय विनय आग्रह करती है। कौन कह रही है? राधा की सखी है, वो आकर के कहती है कि तुम्हारे मिलन के लिए भगवान श्री कृष्ण अत्यंत ही व्याकुल हो रहे हैं, तुम अपना मान छोड़ो और इस मान को छोड़ करके भगवान कृष्ण से, अपने प्रियतम से मिलने के लिए जाओ। ये बात कह रही है राधिका की दूती या उसकी सखी। कुछ कठिन शब्द आए हैं जिनका अर्थ पहले ही हम कर लेते हैं। जैसे बकुल शब्द है, बकुल का अर्थ होता है मौलश्री। पेखल, पेखल का अर्थ होता है देखना। नीरज का अर्थ कमल। सय माने से। मृगमद कस्तूरी। ताम्रस कमल। घनसार का अर्थ होता है कपूर। असंभार का अर्थ हम लेंगे बेसहारा। कालक काल के। पावक, पावक मतलब अग्नि आग। सून शून्य। बेपतु कंपन। खीति धरती। मसरिन यानी चिकनी। अनिल का अर्थ होता है वायु। मुंच का अर्थ होगा गिरना। मान मणि, मान रूपी मणि। सुदति सुंदर दांतों वाली। सुदति सुंदर है दांत जिसके, सुंदर दांतों वाली नायिका। श्रुति सुनना। दंडक एक छंद का नाम है। कवि विद्यापति जी कहते हैं नायक की दूती या नायिका की सखी कहती है कि हे राधिका, मैंने मौलश्री वृक्ष के नीचे श्री कृष्ण कन्हैया को विरह से व्याकुल देखा है। कहाँ देखा है? विरह व्याकुल बकुल तरुवर। बकुल है ना मौलश्री, तरुवर है ना वृक्ष। मौलश्री वृक्ष के नीचे बैठे हुए नंद कुमार को, श्री कृष्ण कन्हैया को व्याकुल, पेखल का अर्थ होता देखना, व्याकुल बैठे हुए देखा है। मौलश्री वृक्ष के नीचे भगवान श्री कृष्ण तुम्हारे विरह में व्याकुल बैठे हैं। हे सखी, उनके नीले कमल नेत्रों से जल की
अपार धारा बह रही थी। वे चंदन लेप, कस्तूरी, कमल और कपूर को देखकर तुम्हारी याद आने से तथा अपनी विरह व्यथा बढ़ जाने से इतने व्याकुल हो रहे थे कि अपने ही कर पल्लवों से अपने नेत्र बंद करके बेसहारा होकर धरती पर गिर रहे थे। अतः हे सखी, तुम जाकर के मौलसिल वृक्ष के नीचे बैठे हुए उस व्याकुल कन्हैया से अपने प्रियतम से मिलन करो। जब मंद सुगंधित शीतल मलय हवा बहती है तो उन्हें ऐसा लगता है, श्री कृष्ण कन्हैया को ऐसा लगने लगता है मानो प्रलय कालीन प्रबल प्रचंड आग उनके शून्य शरीर को जला रही है। पापा क्या ना अग्नि उनके अत्यधिक कंपन के कारण उनकी सुकोमल चमकदार मोतियों की माला टूटकर धरती पर गिर पड़ती है। वो ऐसी लगती है मानो वायु की चंचलता से, हवा की चंचलता से तमाल वृक्ष से फूलों का समूह टूट करके नीचे गिर रहा हो। हे रमणी, हे राधिका, तुम अपने मान रूपी मणि को त्याग कर उस स्थान पर चली जाओ जहां काना विकल व्याकुल बैठा है। बकुल वृक्ष के नीचे जाकर के तुम उससे मिल लो। कवि विद्यापति कहते हैं कि यह दंडक छंद अत्यंत ही सरस है और सुनने वालों को सुख देने वाला है, सुखदायक है। विशेष टिप्पणी में आप विद्यार्थियों एक बात लिखेंगे, पहला बिंदु, नायक भगवान श्री कृष्ण के विरह का वर्णन यहाँ परंपरागत ढंग से हुआ है, राधा को मानवती नायिका बताया गया है। दंडक छंद में 27 या उससे अधिक वर्ण होते हैं। ये दंडक छंद है, इसमें वर्णावृत्ति से अनुप्रास, पानी पल्लव व मान मणि में रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। उत्प्रेक्षा अलंकार का भी इसमें प्रयोग किया गया है। आप सभी को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।